को आपको समझना होगा। और ये बहुत भयानक खेल हमारे समाज हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है कि किस तरह से हिंदू युवकों को, किस तरह से हिंदू लड़कों लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें आतंकी बनाया जा रहा है और फिर उसी नाम से, उसी हिंदू नाम से उनको आतंकी बनाया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं वो ये कहने लगते हैं कि देखो हिंदू आतंकवादी है। ये बहुत भयानक खेल है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही भयानक आतंकवाद का रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक आपने सुना था कि लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को आतंकी बनाया जाता था, लेकिन अब हिंदू लड़के आइसिस आतंकवादी बन रहे, ऐसा पहली बार हुआ है। यानी कि जो हिंदू लड़के हैं वो आइसिस आतंकी पाए गए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। और एनआईए ने छापे मारकर ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम हिंदू है लेकिन वो काम आइसिस के लिए कर रहा था। अब ये खुलासे होंगे आगे कि वो किस तरह से आइसिस के लिए काम कर रहा था और कहां से या किस फंडिंग से, पैसे के दम पर या किसी दूसरे लालच के दम पर वो आतंकी बना। दरअसल भारत में काम करने के जो आइसिस ने जो तरीके हैं वो बदल दिए हैं। अब वो मुस्लिम के साथ साथ हिंदू युवकों को भी अपने जाल में फंसा रहा है। ये पहली बार है जब किसी हिंदू युवक को आइसिस के साथ कनेक्शन के आरोप में पकड़ा गया है। यह गिरफ्तारी रतलाम जिले के खजूरी देवड़ा गांव से हुई है। 23 साल का राहुल सेन सोशल मीडिया पर 3 अलग अलग पहचानों के साथ सक्रिय था। चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपने आप को कट्टर सनातनी बताता था। उसने एक आईडी कट्टर सनातनी और 2 कट्टर मुसलमान उमर बहादुर के नाम से बना रखी थी। आसपास के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि चुपचाप रहने वाला राहुल इतना शातिर आतंकी। एनआईए ने बताया है कि आइसिस के झारखंड मॉड्यूल की आतंकी साजिश में राहुल सेन की सक्रिय भूमिका थी और वह सोशल मीडिया के जरिए आइसिस के प्रोपोगंडा को फैला रहा था ताकि वो भोले भाले युवकों को कट्टर और आतंकी संगठन में भर्ती करा सके। ये संगठन युवाओं का इस्तेमाल करके उन्हें आतंकी बनाता है और फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग देता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक, सीरिया बुलाकर भी, और भारत में भी उसके ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं केरल जैसे स्टेट्स में। राहुल के पास से आइसिस से जुड़ी गतिविधियों के कई महत्वपूर्ण आंकड़े, प्रोपोगंडा और वीडियो मिले हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, चाकू और आइसिस का झंडा भी जब्त हुआ है उसके पास। जो आइसिस का झंडा है वो काले कपड़े वाला होता है, आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया में शेयर एक फोटो में, वह एक ऐसे ही काला कपड़ा लिए हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर बने कई चैनलों के जरिए वो आइसिस आतंकी संगठन की सामग्री प्राप्त करके उसे अलग अलग जगह फैलाता था। झारखंड मॉड्यूल का हेड जो बताया जा रहा है फैजान अंसारी से वो संपर्क में था। ये फैजान अंसारी केवल 19 साल का बताया जाता है, 19 साल का आतंकी आइसिस का झारखंड का चीफ है। इस फैजान से राहुल सेन की पर्सनल चैटिंग रिकॉर्ड की गई है। एनआईए ने इसे रांची ले गई और वहां से ट्रांजिट रिमांड इसकी ले ली है और इसे जेल भेज दिया गया है। अब लोग जो इसके गांव के जो लोग थे वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि चुपचाप रहने वाला, किसी से कोई मतलब नहीं रखने वाला इंसान कैसे आतंकी हो सकता है। जब 13 सितंबर की दोपहर को एनआईए इंस्पेक्टर की एक टीम झारखंड से रतलाम पहुंची और उन्होंने वहां के पुलिस
अधीक्षक राहुल कुमार लोडा से मुलाकात की और आईसीसी से जुड़े एक संदिग्ध गिरफ्तारी की मांग के लिए उन्होंने सहायता मांगी। एसपी ने तुरंत मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्थानीय पुलिस को गठित करके झारखंड पुलिस की हेल्प के लिए साथ भेज दिया। 14 सितंबर को ही सुबह ही टीम अलॉट कस्बे के पास खजूरी देवड़ा गांव के बीच बने दो कमरों के एक छोटे से घर को घेर लिया। ग्रामीणों को जब पुलिस के आने का पता चला तो उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों के मुताबिक वह लड़का एकदम चुपचाप रहने वाला था और वह अपने काम से काम रखता था। स्थानीय पुलिस का कहना है कि वो उसने कभी शायद छोटा मोटा अपराध भी नहीं किया था, बस हाँ एक बार एक छोटे से विवाद में एक पत्थर मारने की वजह से इसने एक लड़के को बहुत मारा था और बेहोशी की हालत तक उसने उसे पीटा था और वो मामला जो था वो भी थाने से बाहर ही सुलटा लिया गया था। ये जो राहुल सेन था इसने बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाने के बाद खुद छोड़ दिया स्कूल और वहां नहीं गया और मजदूरी करता था। जो खजूरी देवड़ा गांव के बाबूलाल सेन अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहते हैं। बाबूलाल सेन एक सैलून में काम करते हैं। उनके बड़े बेटे राहुल ने एक साल पहले अलॉट के कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। बाबूलाल के छोटे भाई का बेटा कालू राजमिस्त्री है। राहुल भी उसके साथ मजदूरी करता था। काम नहीं रहने पर वह कई कई दिनों के लिए घर से बाहर भी रहा। गांव में उसकी पहचान सोशल मीडिया क्रिएटर की है लेकिन उसकी किसी से बहुत बातचीत नहीं होती थी। यही कारण है कि किसी को उसकी गतिविधि के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। परिवार की आर्थिक हालत ऐसी है कि वे लोग उसकी पैरवी की कोई व्यवस्था भी नहीं कर पाए। रांची में उसकी पेशी के दौरान भी बचाव में कोई मौजूद नहीं था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी मानसिकता आतंकी की है या नहीं। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की उग्रता को कैसे पसंद करता था। जो रतलाम के एसपी हैं राहुल कुमार लोडा, उन्होंने राहुल से पूछताछ की और लोडा ने बताया कि मैं राहुल की मानसिकता को समझना चाहता था। उसे बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि उसकी मानसिकता जो है वो टेररिस्ट वाली है पूरी तरह से। वह फैसला ऑन द स्पॉट में यकीन रखता है और उसे हिंदू और मुस्लिम, मतलब जो अतिवादी टाइप के लोग हैं वो पसंद हैं उसको, और इसी वजह से वो मुस्लिम आतंकी ग्रुप से जुड़ा। मुस्लिम आतंकी ग्रुप से जुड़कर उसे कुछ लालच दिया गया और लालच के साथ साथ उसे आईसिस में जोड़ने के काम के लिए पैसे दिए गए और वो सोशल मीडिया के जरिए ही आईसिस इन्फ्लुएंसर के संपर्क में आया और वहीं से उसका ब्रेन वॉश शुरू हो गया और उसी ब्रेन वॉश की वजह से वो आईसिस का आतंकी बन रहा है। अभी तक पूछताछ में राहुल ने सोशल मीडिया पर उमर और उमर बहादुर नाम की फर्जी पहचान जरूर बनाई थी लेकिन वह मुसलमान नहीं था। वह 2 साल से सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गुटों से संपर्क में था। अब वो बड़ा तेज था। वो जो कुछ ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू अतिवादी हैं, एक फोन से उनके संपर्क में रहता था और एक फोन से वो उनके संपर्क में रहता था जो आईसिस आतंकी है। और झारखंड का जो सरगना है फैजान, उससे उसका संपर्क जनवरी 2023 में बताया जा रहा है और उसके जरिए ही उसने हिंसक पोस्ट डालनी शुरू कर दी। ये हिंदू नाम से इसने एक पोस्ट बनाया सनातन आरएस और वहां ये आक्रामक और उग्र सामग्री डालता था। लेकिन काम किसके लिए कर रहा था? काम आईसिस के लिए कर रहा था। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इसने 2 फेक आईडी बनाई और उन फेक आईडी के लिए वहीं जो काला कपड़ा है आईसिस का उस पर एक चाकू लिया और उसको बांधा और हर हर महादेव चाकू पे लिखा हुआ और वो उसने उसी सोशल मीडिया पर डाला है और हिंदू पहचान के साथ ये पोस्ट किए। एजेंसियों ने उसके जो सारे अकाउंट हैं वो ब्लॉक और उन अकाउंट से वो सारी जो जानकारी है वो निकाली जा रही है।
अब ये आईसीएस का बहुत बड़ा गेम है, इसे समझिए। अब ये क्या है कि ये ऐसे युवाओं को टारगेट कर रहा है जिनको पैसे की जरूरत है, जो सोशल इन्फ्लुएंसर के नाम पर पैसे कमाना चाहते हैं और पैसे के भूखे हैं। उनको आईसीएस थोड़ा सा लालच देता है और उनको हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है उनको पकड़ लिया जाता है और उस मानसिकता को अपने लिए यूज कर रहे हैं वो लोग। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया एजेंसी को आईसीएस के झारखंड मॉड्यूल का पता इसी साल जून जुलाई में चला था। एजेंसियों ने लोहदरगा से डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे एक संदिग्ध को रडार पर लिया। पड़ताल करने पर यह 19 साल का फैजान अंसारी निकला। वह मिल्लत कॉलोनी स्थित अपने पैतृक घर से ही आतंकवादी संगठन का काम कर रहा था। सोचिए, ये 19 साल का लड़का है, सिर्फ 19 साल का लड़का फैजान झारखंड आईसीएस का चीफ बना हुआ है और 19 साल का ये फैजान सोशल इन्फ्लुएंसर बनकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। अधिकारियों ने बताया कि फैजान 2 साल पहले बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था। हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो वह यूनिवर्सिटी के पास एक कॉलेज में रहने लगा। अलीगढ़ में पढ़ाई के दौरान ही वह कुछ आतंकियों के संपर्क में आया जो आईसीएस से जुड़े हुए थे। उसके साथ मिलकर उसने एक भूमिगत संगठन बनाया जो आईसीएस की विचारधारा को दूसरों में फैला सके। बाद में आईसीएस की विचारधारा और प्रचार सामग्री इस्तेमाल कम उम्र के लड़कों को आतंकी बनाकर और उनको हिंसक हमलों के लिए तैयार कर, खास करके ऐसे युवाओं को जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बने हों उन्हें संगठन से जोड़ने की कोशिश हो रही है इसके द्वारा। और धर्म परिवर्तन भी ऐसे हिंदुओं का कराने की साजिश रच रहा था। ये जो राहुल सेन है उसका भी इसी तरह से धर्म परिवर्तन कराकर इसने आतंकी बनाया आईसीएस का। वह ये जो बंदा है ये आईसीएस के विदेशी हैंडलर से संपर्क में था जो उसकी मदद करता था। भारत में दिए गए काम को पूरा करने के बाद फैजान को किसी विदेशी मोर्चे पर भेजा जाना था जहां आईसीएस लड़ रहा है। यह मकसद पूरा होता उससे पहले ही 19 जुलाई को एनआईए और आईबी की संयुक्त टीम ने फैजान को धर दबोचा और अब बिहार के सिवान, उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, महाराजगंज, पंजाब के लुधियाना, गोवा के दक्षिण गोवा, कर्नाटक के यादगिर, महाराष्ट्र के मुंबई और मध्य प्रदेश के रतलाम में छापा मारा गया। यहां से मिले दस्तावेजों और दूसरे तथ्यों की पड़ताल जारी है। मतलब इसका जो फैजान, एक 19 साल का लड़का जो आतंकी संगठन चला रहा था वो पूरे देश में चला रहा था। अब ये आतंकी संगठन पूरे देश में काम कर रहा था और हिंदू युवाओं को जो जरूरतमंद सोशल इन्फ्लुएंसर और जो मतलब पैसे के लिए, उनको देखा कि पैसे के लिए ये आसानी से बिक सकते हैं, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया मध्य पूर्व के देशों में सक्रिय है और ये 2013-14 में शुरू किया था अल बगदादी ने, आप सबको पता है इसका। और उसके बाद लोगों की गर्दन काटी इन्होंने और सोशल मीडिया पर वो गर्दन काटे हुए वीडियो तमाम में फैलाए और उसकी वजह से मुस्लिम युवाओं को अट्रैक्ट किया। आप सबने देखा होगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप और भारत जैसे कई देशों से बहुत सारी हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके लव जिहाद के जरिए वहां ले जाया गया। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां वहां गईं, बहुत सारे मुस्लिम लड़के वहां गए धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़कों को ले जाने की तैयारी। लेकिन अभी भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ऐसे लोगों पर अपनी नजर रखे हुए और इनको टारगेट कर रही है। इनको कोई आतंकी हमले से पहले ही टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से इनको पहले से ही धर दबोचा जाता है। 6 राज्यों में 9 ठिकानों पर छापा मारा है एनआईए ने। एनआईए सूत्रों का कहना है कि इस केस में देश भर के 6 राज्यों के 9 ठिकानों पर छापा पड़ा है। उन दस्तावेजों में जो मिले हैं वहां उनकी पड़ताल जारी है और इन सबसे पूछताछ हो रही है। मध्य प्रदेश के एक दूर दराज के गांव में आईसीएस के नेटवर्क से जुड़े हिंदू युवक की गिरफ्तारी के बाद आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है लेकिन मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस, एटीएस और दूसरी तमाम एजेंसियां भी राहुल के संपर्क की तलाश में हाथ पांव मार रही। अब ये कितना खतरनाक है ये आप सबने सुना होगा। आईसीएस क्रूरता की ऐसी
होती है इन लोगों की कि आम आदमी का जो दिल है ना वो कांप जाएगा, कलेजा कांप जाएगा। 2015 से आइसिस ने सोशल मीडिया अकाउंटों पर अपने वीडियो जारी किए और लोगों की गर्दन काटते हुए वीडियो दिखाए, और उन वीडियोज ने तमाम दुनिया भर के जो मुसलमान थे उनको इन्फ्लुएंस किया, और इसकी वजह से दुनिया भर के कई देशों में सर तन से जुदा की बातें होने लगी, सर तन से जुदा होने लगे, चाहे फ्रांस हो चाहे भारत हो, मतलब कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं आइसिस के आने के बाद। आइसिस की वजह से ही कई सारे ऐसे खेल हुए हैं जो भारत में अंजाम दिए गए। ये जो ऐसे मामले हैं, अब ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़े हुए हैं। अब इनको थोड़ा सा लालच दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है इनको, लड़कियों का लालच दिया जाता है इनको, बड़ी बड़ी चीजों का लालच दिया जाता है, और ये लालच में फंसकर आतंकी बन रहे हैं। इनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, और धर्म परिवर्तन करने के बाद ये बहुत बड़े कट्टरपंथी बन जाते हैं, और ये अपने ही लोगों के गले काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया जाता है। इस ब्रेन वॉश की वजह से ही कितनी ही लड़कियां, आप सबने सुना होगा कि आज भी अफगानिस्तान की जेलों में केरल और दूसरे स्टेट की लड़कियां, जो हिंदू लड़कियां और ईसाई लड़कियां हैं, वो बंद हैं। उन हिंदू और ईसाई लड़कियों को वो आतंकी प्यार के जाल में फंसाकर सीरिया और इराक और अफगानिस्तान ले, उनके माँ बाप आज उन लड़कियों को वापस लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने वापस लाने से मना कर दिया है। तो आप सबको देखना होगा कि आपके जो बच्चे हैं, वो आपके जो लड़के, चाहे बेटा है चाहे बेटियां हैं, जो कच्ची उम्र के हैं, खास करके 30 साल से पहले के जो ये बच्चे हैं, पता करना होगा कि ये कहाँ किसके संपर्क में है। अगर वो ऑफिस भी जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो किसके संपर्क में है। अगर वो कॉलेज जा रहे हैं तो ये पता करना होगा कि आपको वो किसके संपर्क में, ध्यान रखना होगा। आज मोबाइल फोन इंटरनेट की जो दुनिया है उसका प्रयोग करके हिंदू बच्चों को भी आतंकी बनाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराकर, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। ये बहुत भयानक खेल हो गया है, और ये फिर कहते हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कि ये देखो ये तो हिंदू थे। वो किनके जाल में फंसे? वो इन आतंकियों के, आइसिस के जाल में फंसकर वो ऐसा खेल खेलने को मजबूर हो गए। अब वो वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार वहां एंट्री करने के बाद उनको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर आ जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पता कर लेती हैं कि कहां कौन क्या सर्च कर रहा है। तो हमारी खुफिया एजेंसी को ये पता चल जाता है कि कहां किस तरह से कौन इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट तो आ गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल भयानक तरीके से हो रहा है, गलत गतिविधियों में हो रहा है, और आइसिस ने वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो दुनिया में फैला दिया है। उसके जो आतंकी हैं वो लोगों के, मासूम लोगों के गला काट रहे हैं और उनको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ऐसे में ये जो क्रूर किस्म के जो लोग होते हैं ये बड़ी आसानी से आतंकी बन जाते हैं, और इन आतंकियों का एक ही मकसद होता है, इंसानों को मारना। भारत में कई ऐसे आतंकी पाए गए। भारत में हमने पहले भी रिपोर्ट दिखाई कि डॉक्टर्स आइसिस के आतंकी पाए गए, बड़े बड़े ब्रांडेड जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स मुंबई में, हमने पहले वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं पीछे कि किस तरह से वो आतंकी बने हुए हैं और डॉक्टरी कर रहे हैं। तो ये बहुत भयानक खेल है, इस भयानक खेल को आपको समझना होगा, और ये बहुत भयानक खेल हमारे समाज, हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है कि किस तरह से हिंदू युवकों को, किस तरह से हिंदू लड़कों लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें आतंकी बनाया जा रहा है, और फिर
फिर उसी नाम से, उसी हिंदू नाम से उनको आतंकी बनाया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं वो ये कहने लगते हैं कि देखो हिंदू आतंकवादी है। ये बहुत भयानक खेल है, इस खेल को समझना होगा। नमस्कार।